गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट तो इस चैप्टर में हम केमिकल इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आपको घर में बोला जाता होगा कि गीले हाथों से कभी भी हमें बिजली के स्विचेस को या वायर्स को नहीं टच करना चाहिए ऐसा क्यों होता है क्या हो सकता है अगर आप गीले हाथों से छुएंगे मेरे हिसाब से आप सबको पता है कि अगर हम गीले हाथ से अगर बिजली के किसी भी अप्लायसेस को टच करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक शॉप्ड हो सकते हैं

टल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कॉपर एल्यूमिनियम ये बिजली तर को इजिली सप्लाई होने देते हैं rubber, However, so हम किसी भी सॉलिड स्टेट के चीजों में चीजों को हम देख सकते हैं टेस्ट करके कि वो बिजली को पास होने देती है या नहीं थ्रू टेस्टर बट लिक्विड चीजों को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें से बिजली पास होगी या नहीं डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या बिजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर हम उसी तरीके का टेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं हाईवर रिप्लेस द सेल बाई अगर हम सेल को रिप्लेस कर दे बैटरी के द्वारा ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट जब कभी भी हम टेस्टर से टेस्ट करते हैं उससे पहले हमें ये भी चेक करना होता है की टेस्टर वर्क कर रहा है या नहीं ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मूवमेंट हम टेस्टर के जो फ्री एंड है उसको क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं This complete the circuit of the tester and the bulb should glow. इससे क्या होगा? Tester का जो सर्किट है, वो complete हो जाएगा और bulb glow करने लगा। However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. और अगर bulb न जले, that means क्या होगा? कि tester काम नहीं कर रहा। Can you think of the possible reason? आप कुछ संभव reasons बता सकते हैं? It is possible that the connection are loose. हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो और द बल्ब इज फ्यूज या फिर बल्ब फ्यूज हो और योर सेल आर यूज या आपका सेल जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका हो उसका जो केमिकल रिएक्शन है उससे अब बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही है चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट आपको चेक करना है कि सभी कनेक्शन टाइट हो इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद एनदर बल्ब और अगर वो टाइट है तो आपको बल्ब चेंज करके देखना चाहिए नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट अब आपको देखना है अगेन कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग अगर अभी भी वो काम ना करे देन रिप्लेस द सेल विथ फ्रेश सेल तो आपको सेल भी बदल देना चाहिए नाउ दैट आर टेस्टर इज वर्किंग लेटर्स यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड अब हम लिक्विड को टेस्ट करने का जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे क्वेश्चन आपको ध्यान क्या रखना है

और विनेगर एस्ट्रोनिन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू टेक केयर दैट द एंड आर नॉट नॉट मोर देन सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू टच ईच अदर पर ए, एक दूसरे में वो टच नहीं होना चाहिए डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो क्या उसका बल्ब जलेगा डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या लेमन जूस ये विनेगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कैरेक्टर और अ पुअर कंडक्टर तो आपको उसको में ये डिफाइन करना है कि वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है सो so, अगर जलेगा बल्ब तो गुड कंडक्टर है और अगर नहीं जला तो पुअर कंडक्टर है वेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास जब वो लिक्विड बिजली को पास होने दे दर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट तो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो करंट सर्किट में से फ्लो होने लगेगा और बल्ब जल जाएगा वेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास और अगर वो लिक्विड उसको पास बिजली को पास होने ना दे द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कम्प्लीट तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो इट मे हैव हैपन इन एक्टिव

ग्लोइंग और वो ग्लो करने लगती है हा एवर इफ द करेंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक अगर सर्किट में करेंट वीक हो द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड तो फिलामेंट गर्म भी नहीं होगा सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसके गर्म नहीं होना गर्म नहीं होगा वो और वो चलेगा भी नहीं एंड वाई इज द करेंट इन द सर्किट वीक पर सर्किट में करंट वीक क्यू होगा वेल द मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल जितना इजीली मेटल कंडक्ट करती है उतना इजीली दूसरे मटेरियल नहीं करते एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड एट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो कैन वी मेक एनोद टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करेंट ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या हम टेस्टर बना सकते हैं वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक काइंड ऑफ टेस्टर डू यू रिकॉल दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट आपको याद होगा कि हम मैग्नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर तो जब वायर में से बिजली प्रोवाइड होती है और किसी कंपास को हम उसके पास लेके जाते हैं तो उसके नीडल क्या शो करता है इवन इफ द करेंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सीन अगर बिजली बहुत कम मात्रा में भी हो तो भी आपको मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन दिखेगा कैन बी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या हम मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा किसी टेस्टर को बना सकते हैं तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे